नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। बिहार सरकार के गृह विभाग ने एक पत्र जारी कर बिहार के सभी जिला अधिकारियों को यह निर्देशित किया है कि कुछ नियम और शर्तों के साथ लॉकडाउन के दौरान कुछ दुकानें खुलने का निर्देश दिया है। तो उन दुकानों में से किन किन दुकानों को शामिल किया गया है खुलने की स्थिति में, तो आप इस जानने के लिए इस पूरी खबर को देखेंगे हमारे साथ इस वीडियो में। लास्ट तक आप बने रहेंगे क्योंकि आज जिस तरह से लगातार बिहार में कोरोना महामारी पैर पसार जा रहा था, तो इन सब चीजों को लेकर बिहार में मात्र दो ही जोन बनाए गए थे, सिर्फ ऑरेंज जोन और रेड जोन, और दुकानों को खुलने का अनुमति नहीं दिया गया था। लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद बिहार सरकार के गृह मंत्रालय ने पत्र जारी कर कुछ नियम और शर्तों के साथ दुकानों को खोलने का निर्देश दिया है। तो उन दुकानों में से कौन कौन से ऐसे दुकान है जो आप खोल सकते हैं लॉकडाउन के दौरान, और अल्टरनेट कर किन किन दुकानों को खोलना है, इन सब चीजों को जानने के लिए देखें बोलता खगड़िया की इस पूरे वीडियो। बिहार सरकार के गृह विभाग ने पत्र जारी कर बिहार के सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लॉकडाउन के दौरान कुछ दुकानों को रियायत दी जा सकती है नियम और शर्त के अनुसार। तो उन दुकानों में से शामिल है इलेक्ट्रिकल्स गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर्स, विक्रय एवं मरम्मत। तो वहीं दूसरी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स यथा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी, विक्रय एवं मरम्मत। तो तीसरी चीज़ें हैं ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट्यूब्स, लुब्रिकेंट, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित। तो वहीं चौथी चीज़ है निर्माण सामग्री के भंडारण एवं विक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईट, प्लास्टिक, पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री। तो वहीं पांचवी चीज़ है ऑटोमोबाइल्स स्पेयर पार्ट्स की दुकानें प्रत्येक एक दिन के अंतराल पर खोली जा सकती है। गैरेज एवं वर्कशॉप प्रतिदिन प्रति दिवस खोला जा सकता है। वहीं छठी चीज़ है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान परमंडलीय मुख्यालय स्तर पर दो एवं जिला स्तरीय पर एक खोली जा सकती है। और सातवीं चीज़ है प्रदूषण जांच केंद्र। तो गृह विभाग ने यह पत्र जारी कर बिहार के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने ज़िलों में नियम और शर्तों के साथ कुछ दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खोलने की अनुमति दी जा सकती है। वहीं खगड़िया के DM आलोक रंजन घोष ने बताया कि आप अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ आवेदन दे सकते हैं और अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ से ही आपको आदेश दी जाएगी कि आप किस दिन कौन सी दुकानें को आप खोल सकते हैं। बढ़ाल देखते रहें बोलता खगड़िया। अगर हमारी खबर अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज जरूर लाइक कर लें ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद। आपके शहर खगड़िया में सोना एवं चांदियों का हॉलमार्क जेवर का शोरूम, पता न्यू गोपाल ज्वेलर्स, थाना रोड, खगड़िया।